दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। अगर आपके घर में 0 से 5 साल तक का बच्चा है और आप उसका आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों अब आपको आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही 0 से 5 साल तक के बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, आप किस तरह से इसे अप्लाई करेंगे और इसके लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है सर्विस रिक्वेस्ट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, IPPB कस्टमर्स और नॉन IPPB कस्टमर्स। आपको IPPB कस्टमर्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने बहुत सारी सर्विसेज की लिस्ट आ जाएगी। आप पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको चाइल्ड आधार एनरोलमेंट सर्विस दिखाई दे जाएगी। आपको इसके आगे दिए चेक बॉक्स में टिक कर देना है। इसके बाद नीचे एक फॉर्म दिया है, इसे फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ से बच्चे का टाइटल नेम चूज करना है, लड़का है तो मिस्टर और यदि लड़की है तो MS सेलेक्ट करना है। इसमें बच्चे का फर्स्ट नेम डालेंगे और इसमें लास्ट नेम डालेंगे, जैसे कि बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है। इसमें आपको एक मोबाइल नंबर डालना है जो कि चालू अवस्था में होना चाहिए। इसके बाद इसमें एक ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालना जरूरी नहीं है, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको एड्रेस डालना है, आप फर्स्ट और सेकंड लाइन में अपना पूरा एड्रेस डाल सकते हैं। इसमें पोस्टल पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालते ही यहाँ पर आपके आसपास के सभी पोस्ट ऑफिस आ जाएंगे। आपको अपने नजदीक का पोस्ट ऑफिस चूज कर लेना है। पोस्ट ऑफिस चूज करते ही यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की ब्रांच, डिवीजन, रीजन और स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और इसमें आप टाइप कर सकते हैं कि आप बच्चे का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं जिसकी उम्र 5 साल से कम है। इसके बाद इस चेक बॉक्स में टिक करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया है इसे इसमें डालेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, योर सबमिशन हैज बीन सक्सेसफुल। फॉर्म सबमिट होते ही आपकी रिक्वेस्ट को नियर बाई पोस्ट ऑफिस में भेज दिया जाता है और फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की जो डोर स्टेप सर्विस है उसके अंतर्गत जो भी डाकिया या पोस्ट मास्टर है जिनको की आधार की मशीनें प्रोवाइड की गई हैं, वो आपके घर पर आएगा और आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको कंप्लीट करके चला जाएगा। इसके लिए आपको 50 रुपए की फीस उनको पे करनी होती है। आजकल सभी पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैनों को आधार आईडी प्रोवाइड कर दी गई है जिससे कि वो 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों का आधार कार्ड बना सकते हैं। पोस्टमैन आपके घर पर आएगा और आपने जिस किसी चीज के लिए भी रिक्वेस्ट की है, जैसे कि आपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने की रिक्वेस्ट की है या बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए रिक्वेस्ट की है, तो वो उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करके चला जाएगा। तो इस तरह से आप बिना आधार सेंटर जाए, बिना लाइन में लगे 0 से 5 साल तक के बच्चे का आधार घर बैठे बनवा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।